नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोपहर का टाइम है, 2 बजने को आए और गर्मी है 31 डिग्री टेम्परेचर और ये हैरो के अंदर नॉर्थ हैरो का एरिया है। शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। ये जो रास्ते पे मैं पिनर रोड है जो नॉर्थ हैरो में पड़ता है, जहाँ पर मैं आया हूँ शॉपिंग करने के लिए, यही स्टोर इंडिया में जो इंडियन लोग बाय करते हैं पूरा ग्रोसरी का सामान यहाँ से मिलता है। आया हूँ शॉपिंग करने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन। भाई यहाँ से अभी मैं शॉपिंग की ट्रॉली लूँगा। 1 पाउंड का जो कॉइन है उसमें डालना रहेगा। जैसे ही यहाँ से मैं डालूँगा यहाँ से ये जो है लॉक अनलॉक हो जाएगा। 1 पाउंड का कॉइन है अंदर। Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Pani puri chutney to hum ye yahan se lete hain. Ye dekha hai apne, bahut chalta hai India mein. Dusra ye wala काश्मीरा जलजीरा मसाला जलजीरा। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. India mein bikne wali jo bhi gharelu saman jo hai, grocery items, wo yahan par sari cheez available hai जो इंडिया में मिलती है। तो यहाँ पर इसको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सेल्फ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ सब आप बाय कर सकते हो। और अभी मैं जो मोस्ट प्रोबेबली सारी आइटम जो है बाय कर ली है। अभी मैं जा रहा हूँ टिल की तरफ, तो वहाँ पर मैं पेमेंट करूँगा। और ये जो स्टोर है अंदर से कुछ इसका लुक ऐसा है, आप देख सकते हैं पूरे अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं यहाँ पर। और इंडिया में बिकने वाली हर एक चीज़ यहाँ मिलती है और इंडिया की काफ़ी सारी ब्रांड भी यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर आप अच्छे से बाय कर सकते हो। ये जो अभी पूरा सेक्शन है ये सब्जी का सेक्शन है, तो यहाँ जहाँ मेरा बास्केट रखा था उस वहाँ पर धनिया मिलता है। और अभी मैंने बाय जो किया है वो है, मैंने मिर्ची बाय की है, ये चौली है, ये लौकी है और थोड़ी सी मैंने 2 बैग टिंडी की बाई की है। तो टिंडी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने अभी कुछ 100 ग्राम के आसपास ग्रीन चिली बाई की है। और जो लौकी है उसका रेट था पूरी पीस का 2 पाउंड 50 पेंस। ये वाइट केबेज है और ये इसकी प्राइस है। तो मैं अभी यहाँ से मैं आधा पीस ही लूँगा क्योंकि मुझे अभी आधा पीस की रिक्वायरमेंट है। सामान मैंने बाय किया। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay. इसका जो पूरा शॉपिंग हमारा जो है हो गया है, उसकी पर्ची है 56 पाउंड 34 पेंस का बिल हुआ हमारा। तो गाइस आज की डेट में आप फ्यूल का प्राइस देखो, 1 पाउंड 89 पेंस पेट्रोल का प्राइस है पर लीटर, तो बहुत ही प्राइस बढ़ गया है।
like nothing I found. My mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. जो नॉर्थ हेरो में शॉप थी उसके बाजू में सेम स्ट्रीट पे सायोना स्वीट की शॉप है, उसके बाद में मैं वहाँ से शॉपिंग करके यहाँ गया था और यहाँ से मैंने ये गणपति का जो है चौथ का दिन है, चूरमा के दो लड्डू लिए है भगवान जी को प्रसाद रखने के लिए, पूरा मिक्स स्वीट लिया है, ये अलग अलग किस्म की बर्फी है, कोपरे की बर्फी है और काजू कतली है। तो भाई इतना थोड़ा सा शॉपिंग किया है, वहाँ से भी बिल बना है 10 pounds, जो VBN Sons का बिल था वो 56 pounds के आसपास बिल बना था। पूरा एक थैली भर के सामान था, ज्यादा भी सामान भी नहीं था। ये जो महंगाई है वर्ल्ड वाइड बढ़ गई है और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो बेहद ही मुश्किल है। ये तो किसी की नहीं पड़ी, हर धंधे में हर लोगों ने सब जगह पे प्राइस बढ़ा दिया है, क्या होगा राम जाने। गजब की भाई गर्मी है और लंदन में जो समर आता है तो पूरी जो है पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाता है। अभी इस गार्डन पे मैंने मेमरन डाला हुआ है से उसको मारने के लिए, काइंड ऑफ वीड किलर बोलते हैं इसको, से कुछ इफेक्ट नहीं होता है। ट्रिम करूंगा लॉन मूवर से, इसको ग्रास कटिंग करना पड़ेगा। तो भाई बहुत सारी गर्मी गर्मी है, गर्मी 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 बढ़ गई है। अभी थोड़ा फ्री हुआ तो चलो इसको चला लेते हैं। तो स्वीपिंग मशीन है तो इससे थोड़ा जो है फ्लोर स्वीप हो जाएगा और इसके साथ ये इसका मॉप है, स्वीप हो जाएगा तो इससे मैं मॉपिंग करूंगा। अच्छी चीज है, फ्री बैठा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी घर की सफाई कर लेते हैं। मोबाइल में कुछ इसका एप्लीकेशन का इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, प्रोसेस में जा रहा है। तो इंटरफेस ऐसा है, मोबाइल के अंदर स्कैन करेगा पूरा एरिया इस प्रकार से। ये जो है मैप है इसका, इसका नाम है 360 रोबोट वैक्यूम क्लीनर S9 मॉडल। मैं इसको मॉप अटैच करता हूँ इसके साथ। अभी ये मॉपिंग मोड में एंटर हो गया है, यहाँ जो है पूरी ये स्वीपिंग भी कर रहा है और मॉपिंग भी कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना पोछा लगा रहा है, तो ये अभी पोछा भी लगा रहा है। घर का क्लीनिंग का टास्क थोड़ा कंप्लीट होने के बाद गार्डन में चला गया। आपने अभी जो नाम देखा उसी गार्डन में मैं अभी घूम रहा हूँ, तो वेदर को एंजॉय कर रहा था। चेक करिए विजेस वेब, आपने गार्डन का नाम तो देखा ही होगा, तो वहाँ पर देखिए वो भाई साहब जो है रोप पे चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो ऐसे भी सीखा जाता है बैलेंसिंग, देखिए आप देख सकते हैं रैप लगाया हुआ है दोनों पेड़ पे, अच्छी टेक्निक है, काफ़ी हद तक उन्होंने बैलेंस बना दिया है। देखिए कितनी 2 या 3 feet की हाइट रखी है, 3 feet की हाइट है, गिरने का भी खतरा बहुत ही कम है। अभी यहाँ पर जो रिक्रिएशन ग्राउंड है बहुत ही अच्छा, विंडी है, टेम्परेचर जो है 31 degrees के आसपास है, लेकिन यहाँ जो गार्डन में बैठा हूँ वहाँ अच्छी छांव है, सुन सकते हैं विंड फ्लो, हवा का जो है नॉइज, और इस तरफ जो है टेनिस खेल रहे हैं, यहाँ पर जो है लोग टेनिस खेल रहे हैं और वहाँ पर जो है बास्केटबॉल खेल रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, लंदन में हर 1-2 miles अंतर पर गार्डन बनाए हुए हैं जहाँ आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हो, तो मैं बढ़िया अरेंजमेंट है, सही में दिल गार्डन गार्डन हो गया। जबकि डिजाइन बनी हुई पेड़ पे, पूरा ऊपर तक पेड़ में आप देख सकते हो।
इंडिया में पहले विद्या बोलते थे। अच्छा है। उसकी ब्रांचेस भी अच्छी है वहाँ, पर ऊपर चढ़ के चल सकते ऊपर। नाइस। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।